भारत का अब तक का सबसे एम्बिशियस लूनर मिशन चंद्रयान 2 आज रात चंद्रमा की सतह और इतिहास दोनों के दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है। लेकिन इससे पहले कि भारत स्पेस रिसर्च में एक नया आयाम कायम करे, चंद्रयान 2 के अब तक के सफर पर एक नजर। 22 जुलाई 2019 को इंडिया के सबसे पावरफुल रॉकेट जीएसएलवी MK3M1 ने चंद्रयान 2 को पृथ्वी के पार्किंग ऑर्बिट में पहुंचाया। अगले 3 हफ्तों में 5 अलग-अलग ऑर्बिट रेजिंग शिफ्ट्स की मदद से चंद्रयान 2 को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से दूर और चंद्रमा के करीब लाया गया। 14 अगस्त को इस मिशन ने एक अहम पड़ाव पार किया, जब साइंटिस्ट ने ट्रांस लूनर इंजेक्शन की प्रक्रिया को अंजाम देकर चंद्रयान 2 को लूनर ऑर्बिट में पहुंचाया। इस प्रक्रिया में कुछ कॉम्प्लेक्स मनूवर ऑफ थ्रस्ट की मदद से चंद्रयान 2 को चांद की विपरीत दिशा में रीओरियंट किया गया। साथ ही रेट्रो थ्रस्टर्स की मदद से चंद्रयान 2 की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाया गया, सो दैट चंद्रयान 2 कुड स्लो डाउन एंड नॉट जस्ट जिप पास द मून। अगले कुछ दिनों में 5 लूनर बर्न्स की मदद से चंद्रयान 2 को चांद के और करीब पहुंचाया गया। अगले 10 दिनों तक चंद्रयान 2 का एक और क्रूशियल फेज रहा, जब चंद्रयान 2 ने लूनर सरफेस के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम के लैंडिंग साइट का सर्वे किया। मिशन के इस पड़ाव पर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर एक साथ लूनर ऑर्बिट में चक्कर काट रहे थे। लेकिन 2 सितंबर की सुबह लैंडर विक्रम ऑर्बिटर से अलग हो गया और चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ने लगा। लैंडर विक्रम फिलहाल चंद्रमा के बेहद नजदीक है और कुछ ही देर में कॉम्प्लेक्स मनूवर्स जैसे कि रफ ब्रेकिंग और फाइन ब्रेकिंग की मदद से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इससे पहले चंद्रयान 2 अपने लैंडिंग साइट की डिटेल्ड एनालिसिस करेगा और उसके कुछ देर बाद चांद के साउथ पोल पर लैंड कर एक नया इतिहास रचेगा। लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग के 4 घंटे के बाद रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर अपनी छाप छोड़ेगा। एक तरफ जहां चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर साल भर के लिए चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, तो वहीं लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक यानी कि 1 लूनर डे तक अपना काम करेंगे। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का कारनामा अब तक सिर्फ फॉर्मर यूएसएसआर, अमेरिका और चाइना ही कर पाए हैं और आज रात सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया 4th देश बन जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहला देश होगा।